हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 नक्शा है। पेज नंबर 119 पर हैं हम। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है बड़ा करो छोटा करो, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन ग्रिड दी गई है, ओके। यहाँ पे एक सेंटीमीटर की है ये ग्रिड, ये हाफ सेंटीमीटर की है 1/2 की, और ये 2 सेंटीमीटर की ग्रिड है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ कुछ चित्र 1 सेंटीमीटर खानों वाली जाली पर बनाए गए हैं। उन्हीं चित्रों को 2 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर वाली जाली पर बनाने की कोशिश करो। एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है, तो देखिए सिंपल है। आपको यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर ग्रिड पे आपको चित्र बना के दिया गया है। सेम यही चित्र आपको हाफ सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले पे बनाना है, ओके। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है, वैसे ही आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ा गया। आप भी एक बॉक्स छोड़ करके यहाँ पे पत्ती बना सकते हैं इस तरीके से, ओके। और वैसे ही आपको यहाँ पे कार भी बना लेनी है। छोटे वाले ग्रिड पे भी आपको इस तरीके से पिक्चर बना लेनी है, ओके। आपको 2 सेंटीमीटर ग्रिड पे भी आपको इस तरीके का पिक्चर बना लेना है, इस तरीके से देखिए, ठीक है। ऐसे आप बना लेंगे। देखिए इस तरीके से 2 सेंटीमीटर ग्रिड पे मैंने इस तरीके से पिक्चर बना ली। आप भी सेम इस तरीके से पिक्चर बना लेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, एक खाने की भुजाओं को 2 गुना बड़ा बनाया गया है, क्या इसका क्षेत्रफल भी 2 गुना बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर वाली ग्रिड है, ये जो बॉक्सेज हैं खाने हैं, ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुड़े भुजा, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर वाले हम ग्रिड का लें, देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर ग्रिड है, हाँ, इसमें जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ भुजा गुड़े भुजा हम ले लेते हैं। 1 गुड़े 1 लेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुड़ा 1 में करेंगे तो 1 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 सेंटीमीटर वाला हम ले वर्ग ग्रिड ले तो क्या होगा, भुजा गुड़े भुजा में 2 गुड़े 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल 2 गुना नहीं होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 गुना बढ़ेगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हैं, ये देखिए, आओ कोशिश करें। यह परेड वाले रास्ते नक्शा 3 से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। आप साइड में देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर ग्रिड में यहाँ पे नक्शा 3 से छोटा सा हिस्सा लिया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या तुम पहचान सकते हो कि यह नक्शे का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर क्वालिटी जूम करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये मध्य हेक्सागन का शेप है यहाँ पे, ठीक है। बीच में यहाँ पे सर्कल है और ये यहाँ पे स्टार बना हुआ है। तो हम नक्शा नंबर 3 में देख लेते हैं कि इस ये नक्शा नंबर 3 के कौन सा हिस्सा लिया गया है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो देखिए छोटा सर्कल था वहाँ पे पिक्चर में नक्शे में, और ये स्टार है जो कि इंडिया गेट वहाँ पे नहीं बना हुआ है, और ये मध्य हेक्सागन का ये शेप है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे ये इतना है, ये रास्ते हैं यहाँ पे सीधे से, और ये सीधा रास्ता था, देखिए। तो ये इतना आप बोल सकते हो कि ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा इस नक्शा नंबर 3 से लिया गया है, ओके। अब अपने पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब इसे 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बड़ा बनाने की कोशिश करो। याद रखना कि नक्शे की आकृति न बदले। तो ये जो नक्शा है जो 1 सेंटीमीटर ग्रिड में बना है, आपको यही सेम नक्शा आपको 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में बनाना है, ओके। तो आप पहला ये जो बॉक्स देखेंगे, इसमें यहाँ पे इस तरीके से देखिए बनाया गया है,
ऐसे और फिर ऐसे कर लिया गया है। फिर ये जो यहाँ से आया है तो ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ नीचे ऐसे रास्ता बनाया गया है। तो इसी तरीके से आप एक एक बॉक्स में करके आप इस तरीके से रास्ता बना सकते हैं। ओके, अब नीचे वाला यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से है कुछ रास्ता, ऐसे बनाया गया है। इस तरीके से आप एक एक बॉक्स में देख करके बना लेंगे तो ये नक्शा आपका एकदम प्रॉपर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर हम परेड के पूरे रास्ते को आधे सेंटीमीटर के ग्रिड पे बनाने की कोशिश करें तो उसका स्केल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो स्केल दिया गया है, पहला जो स्केल है नक्शे पर, अगर आप 1 सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं तो ज़मीन पे उसका जो एक्चुअल माप है वो 1 किलोमीटर है। तो नक्शे पे 1 सेंटीमीटर बराबर आप स्केल रखेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 किलोमीटर है वो ज़मीन की धरती पे एक्चुअल लेंथ बताई गई है। तो अगर आप स्केल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर का तो वहाँ पे आप बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो एक्चुअल लेंथ है धरती की वो 1 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। धरती पे जो लेंथ है वो उसमें बदलाव नहीं आएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। वैसे अगर आप छोटा नक्शा बना रहे हो हाफ सेंटीमीटर ग्रिड पे, तो वहाँ पे भी आप हाफ सेंटीमीटर में भी उसी रोड का आप 1 किलोमीटर ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बदलाव नहीं होगा, जो धरती पे जो एक्चुअल लेंथ है रोड की वो अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर रहेगी, भले से आप स्केल छोटा बड़ा कर रहे हो उसमें आप स्केल आपका सेंटीमीटर में बदलाव होगा, लेकिन ज़मीन की जो लेंथ 1 किलोमीटर जो आप रखेंगे वो उतनी ही रहेगी। ज़मीन पे जो लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप हाफ सेंटीमीटर का आधे सेंटीमीटर के ग्रिड पे नक्शे को परेड को पूरा बना रहे हैं तो उसका जो स्केल होगा हाफ सेंटीमीटर बराबर ज़मीन पर 1 किलोमीटर ही होगा। तो ये बीच वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से आए नर्तक बच्चों ने बहुत सी झांकियों और नर्तकों को देखा। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या बच्चे बोल रहे हैं। यहाँ पे पहली जो बच्ची कर्नाटक से आए नर्तक सबसे अच्छे थे। ओके, दूसरी बच्ची बोल रही इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी। अब यहाँ पे देखिए दूसरा बच्चा बोल रहा है, तीसरा मुझे त्रिपुरा का नाच पसंद आया, सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर है पर हरियाणा और उत्तराखंड पास है। ओके, यहाँ पे हमने पेज नंबर 119 और 120 कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो में हम आगे के पेजेस कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय।